पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका भी खारिज कर दी है। जस्टिस बीवी नागररत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की वेकेशनल बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती पर एतराज क्यों है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के दौरान लोकतंत्र को कुचलते हुए हिंसा के जो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले हैं और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता और फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, पहले सर्वोच्च न्यायालय और पहले उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह की दखल न देते हुए बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत ने बिपरजॉय से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर समेत आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बिपरजॉय तूफान के चलते राज्य में एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई। पुडुचेरी में बच्चों को स्कूल ले जा रहे ऑटो रिक्शा और एक बस के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। माफिया अतीक अहमद के बचे हुए कुनबे पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। माफिया अतीक की मौत के बाद उसके बेटे ईडी के रडार पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी ईडी अतीक के बेटे उमर अहमद की संपत्तियों की जांच कर रही है। शिवसेना उद्धव वाला साहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को चिट्ठी लिखकर आज के दिन यानी 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की है। दरअसल एक साल पहले आज ही के दिन महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी और इसीलिए उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के तौर पर पहचान देने की मांग कर रहे हैं। संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र को लिखी चिट्ठी में लिखा कि 20 जून को हमारी शिवसेना के 40 विधायकों का एक बड़ा समूह भारतीय जनता पार्टी के उकसावे में आकर हमें छोड़कर चला गया। आरोप ये भी है कि उनमें से हर विधायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत के लिए 50 करोड़ रुपए लिए। संजय राउत पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने उद्धव ठाकरे को ही गद्दार बता दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। आज यदि गद्दार दिन मनाने की बात आप करते हो तो गद्दारी श्रीमान उद्धव ठाकरे जी आपने स्वयं आपके पिता के विचारों के साथ की। संजय राउत ने यूएन को लिखे पत्र को ट्वीट भी किया और उसे जनता की मांग बताया। इस पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने ट्वीट पर उद्धव ठाकरे के जन्मदिन को गद्दार दिवस के तौर पर मनाने की बात कही और इसे जनता की मांग बताया। उद्धव गुट ने गद्दार दिवस मनाने की बात कही तो पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे क्रांति दिवस कह दिया। शिंदे ने कहा कि गद्दार वो है जिसने बाला साहेब के विचारों के साथ समझौता किया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर ये कहा कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए शिवसेना की विचारधारा को ही खत्म किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 20 जून उनके लिए क्रांति का दिन है और इसे ऐसे ही याद रखा जाएगा। स्वाभिमानी दिवस, उठाव दिवस, क्रांति दिवस अनेक नाव दिलेली आहेत, कारण ही क्रांति आणि उठाव करायला देखील वाघाचं काळीज लागतं हे मी काल म्हटलेलं आहे। इस बीच उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिंदे पर तंज कसते हुए उन्हें गद्दार बताया। गद्दार किती झाले तरी गद्दारच राहणार, कारण लोकांच्या मनात असंतोष घुमसतोय आता आणि याने किती काही म्हटलं तरी यांच्या कपाळाचा गद्दारीचा शिक्का काही पुसला जाणार नाही। उद्धव गुट के साथ एनसीपी ने भी आज गद्दार दिवस मनाया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था 50 खोके एकदम ओके। एनसीपी दफ्तर के बाहर सुप्रिया सूले भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा की आज शुरुआत हुई। 3 रथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से देवी देवताओं को लेकर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना हुए। लाखों की संख्या में देश विदेश से जुटे श्रद्धालुओं ने भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा। परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान बालभद्र का रथ रवाना हुआ, जो करीब 45 फीट ऊंचा और लाल और हरे रंग का है। इसका नाम तालध्वज है। इसके पीछे देवदलन नाम का सुभद्रा का करीब 44 फीट ऊंचा लाल और काले रंग का रथ दिखा।
जबकि सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का 45 फीट ऊंचा पीले रंग का नंदी घोष रथ नजर आया। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि, ये पवित्र तिथियों में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा करने के लिए जाने का गंतव्य स्थल आरप मंडप जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म वेदी आरप मंडप को जाने के लिए भगवान की रथ यात्रा होता है। ये रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाएगी, जो कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मौसी का घर माना जाता है। इसे गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। पुरी में देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा से पहले सुबह मंगला आरती हुई, तीनों भगवानों को खिचड़ी का भोग लगाया गया और फिर रथों की पूजा हुई। रथ में पहले बालभद्र, फिर बहन सुभद्रा और इसके बाद भगवान जगन्नाथ को बिठाया गया, जिसके बाद राज परिवार के दिव्य सिंह देव ने रथ की पूजा की और आरती की, सोने की झाड़ू से बुहार लगाई और रथ यात्रा की शुरुआत हुई। भक्त रथों को बारी बारी से खींचते नजर आए। इस दौरान पूरी भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। तीनों रथों को फूलों से सजाया गया है। भक्त अपने भगवान के दर्शन करते दिखे, जबकि लोक नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। पूरे जगत के जगन्नाथ के दर्शन मात्र से श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे आज मौका मिला है जगन्नाथ के पास आने के लिए। वो तो जगतनाथ जगन्नाथ है, सबके लिए सबका दुख हरते हैं, तो हम लोग आए हैं अपना दुख सुख बांटने के लिए। ऐसे कुछ श्रद्धालु तो ऐसे भी दिखे जो कई बार इस रथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बहुत ही स्पेशल चीज है और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये सेकेंड टाइम मैं यहाँ आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ तब भी बहुत अच्छा लगता है। इस साल 20 जून को शुरू हुई रथ यात्रा 1 जुलाई को समाप्त होगी। यही वजह है कि देश विदेश से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखा। करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें एक बड़ी संख्या विदेशी भक्तों की होगी, जो अभी से पुरी में जुटना शुरू हो गए हैं। सनातन की शक्ति को मानने वाले, भगवान की भक्ति में लीन ये विदेशी भक्त नाचते गाते दिखे। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन एक विदेशी भक्त ने कहा कि इस दिव्य रथ यात्रा के दर्शन करना सपने का सच होने जैसा है। I'm very happy because on this time, Lord Chaitanya is Bhagavan and Jagannath is Bhagavan, and I very want to feel a little bit what feel Lord Chaitanya when he was dancing to Jagannath, when he is dancing to Jagannath. जबकि पुरी की रथ यात्रा में विदेशी भक्तों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी नजर आए, जिन्होंने भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने को अपना सौभाग्य बताया। जैसे कहा जाता है कि जगत के नाथ है वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आके उनका दर्शन करके मैं रथ खींच पाती हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा में रथ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी, जबकि रथ यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान खुद पुरी पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी थे। तीनों ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर पुरी में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन किए, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। पवित्र रथ यात्रा है, इसी अवसर पे हमको सौभाग्य मिला है। इसे माना जाता है जब तक प्रभु की आदेश नहीं होगा तब तक दर्शन भी नहीं होगा। आज प्रभु की आदेश से हम लोग इस घोष यात्रा में, रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए। मैं जब भी पूरी आता हूँ रथ यात्रा के अवसर पे, सौभाग्य से पूज्य शंकराचार्य जी इन्हीं दिनों में पूरी में रहते हैं, उनका भी दर्शन का सौभाग्य हो जाता है। आज भी मेरे को परम सौभाग्य मिला। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश भर में निकाली गई। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई। सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने सुबह जमालपुर जगन्नाथ मंदिर में परिवार समेत मंगला आरती की। इससे पहले सुबह 4:30 बजे भगवान को खिचड़ा हुआ, जबकि 6:30 बजे भगवान की तीनों मूर्तियों को रथ में विराजमान किया गया। अहमदाबाद में रथ यात्रा सुबह 7 बजे शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत करते हुए नजर आए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। आज उनका 65वां जन्मदिन भी है। जबकि कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्कॉन की रथ यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की।
Z News.